In last decades, the evolution of dogs has been changed according to the humanoids. This is a real example English Bulldog, which is a very powerful and compact dog. It is a medium-sized dog, जिसको पहले यूज़ किया जाता था बुल होल्डिंग के लिए. इसका ओरिजिन हुआ इंग्लैंड में एंड उसके बाद इसे स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाने लगा. एंड फाइनली 1935 में इसे यूनाइटेड क्लब कैनल द्वारा मान्यता प्राप्त हुई डॉग ब्रीड्स में. सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फरी पॉम चैनल. मेरा नाम है रिकी. आज हम आ पहुँचे हैं अम्बाला सिटी में, जहाँ पर हम मिलने वाले हैं मिस्टर लवली शर्मा जी से, जिनको करीब 8 साल हो चुके हैं इंग्लिश बुलडॉग की ब्रीडिंग करते हुए. तो जानेंगे इंग्लिश बुलडॉग के फीचर्स के बारे में और कुछ सरप्राइजिंग बातें. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले तो लवली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फरी पॉम चैनल पे. तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए. नमस्कार, मैं लवली शर्मा अम्बाला तो हूँ. तो सर, मतलब आपको डॉग ब्रीडिंग करते हुए कितने साल हो चुके हैं? भैया मेरे को करीबन 8 साल हो गए. ओके, 8 साल में आपने सिर्फ इंग्लिश बुलडॉग की ही ब्रीडिंग? जी भैया. ओके, तो सर इसमें आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिली हैं? भैया इस ब्रीड ने मेरे को बहुत कुछ दिया है. इस ब्रीड ने मुझे नाम दिया है, शोहरत दी है, और जहाँ भी हम गए हैं इस ब्रीड को लेके शो करने, वहाँ पे हम विनिंग हुए हैं. तो आपको ऐसा कैसे लगा कि इंग्लिश बुलडॉग ही आपके लिए परफेक्ट रहेगा? लाइक आप और भी कोई डॉग चूज़ कर सकते थे? भैया मैंने पहले और भी डॉग रखे थे, लेकिन जब से ये ब्रीड रखी है मेरे को ये बहुत फ़नी ब्रीड लगती है. बच्चों के साथ, घर के मेम्बरों के साथ हमेशा ये घुलमुल के ही ब्रीड रहती है. ओके, तो आपको इस ब्रीड के रिगार्डिंग कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए. लाइक इस ब्रीड के स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह की दिखती है ये ब्रीड, मतलब पहचान किस तरह की कर सकते हैं हम, क्वालिटी की पहचान? ये बुलडॉग का स्ट्रक्चर है. फ्रंट इसका ब्रॉड होता है और बैक इसकी नैरो. हेड इसका बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए. ये इसका रिंकर है, जिसको रोप बोला जाता है. और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर होना चाहिए. और जो स्टैक का है बुलडॉग का, फ्रंट लेग में से बैक लेग बीच में दिखनी चाहिए, जो आपको दिख रही होगी. टेल स्टैंडर्ड डॉग का ये बढ़िया गिना जाता है, जिसमें स्ट्रेट होती है और बाहर होती है. एक टेल स्क्रू टेल आती है जो बीच में घुसी हुई होती है, उस ट्रेल को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं जो पॉइंटेड शो होते हैं. अपने यहाँ तो है नहीं, लेकिन जो यूरोप में पॉइंटेड शो होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा उस ट्रेल को अच्छा नहीं मानते. बुलडॉग की टॉप लाइन दूसरे डॉग से डिफरेंट होती है. जो दूसरे डॉग्स में स्ट्रेट बुलडॉग टॉप लाइन अच्छी गिनी जाती है, इनमें शोल्डर के पास डिप करती है और फिर उठती है, फिर डिप करती है, ये इसकी टॉप लाइन होती है. और ये डॉग इंडियन चैम्पियन है और करीबन इसने 20 से 25 BOB जीती हुई है. इस ब्रीड का जो ईयर का स्टैंडर्ड होता है वो रोज़ ईयर होता है. जैसे इस डॉग का आप देख रहे हो, ये आप साइड से देखोगे तो बिल्कुल रोज़ की तरह दिख रहा है. और कई डॉग्स का जो होता है वो ऐसे होता है बुलडॉग में, वो उसको फॉल्ट बोलते हैं, जैसे बटर ईयर बोलते हैं. कुछ लोग पूछते हैं कि डॉग की जो नीचे वाली जो है वो बाहर आ जाता है, दांत दिखाने शुरू कर देता है डॉग ऐसे. वो ब्रीड का कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं है, ये हमारे रख रखाव का है थोड़ा, कि ये डॉग नेचुरली क्या करता है कि अपनी जबान जो है वो बाहर जीभ निकाल के रखता है, जिससे नीचे वाला जो नीचे ही जाना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा लंबा लग जाता है, जिससे दांत इनके बाहर आते हैं नीचे वाले ऐसे करके. और लोग बोलते हैं कि ये डॉग, या हमें किसी ने डॉग गलत दे दिया, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है. ये ब्रीड क्या ही है कि ब्रीड ऐसे रखती है, इसे हमें ही सुधारना पड़ता है, डॉग को टोकना पड़ता है बार बार, जिससे ये ठीक रहे.
और चीज़ बताइए, इस डॉग की वेदर प्रेफरेंस क्या है, कैसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं? सर ये डॉग ज़्यादा खुश वैसे सर्दी में रहता है, ठंडी इसको ज़्यादा अच्छी लगती है, बट हार्ड ब्रीड है, किसी भी वेदर में ये रह लेता है। आप एसी लगाओगे तब भी रह लेगा, आप कूलर में रखोगे तब भी रह लेगा, लेकिन इसको जितना आप खुला रखोगे विदाउट केज तो ये बढ़िया रहेगा और ज़्यादा अच्छे से रहेगा। मतलब हर तरह के वेदर, हर तरह के वेदर में अपने आप को ढाल लेता है। ओके, तो सर लवली जी, डॉग की मेंटेनेंस के लिए कोई ऐसी चीज़ बताइए जो स्पेशल करनी पड़ती है और डॉग्स में नहीं करनी पड़ती, और इस डॉग में कोई मेंटेनेंस के लिए कोई चीज़ करनी पड़ती है? ये भैया रिंकल वाला डॉग है, तो बरसातों के मौसम में इसके रिंकल जो हैं वो साफ़ रखने पड़ते हैं। आप किसी कॉटन से के साफ़ करें या किसी कपड़े के साफ़ करें, वो उनको सिर्फ वही इनकी सफाई करनी पड़ती है, अनदर इनको किसी भी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली कोई मेंटेनेंस नहीं पड़ती, सिर्फ बरसातों के दिनों में इनके रिंकल साफ़ करने, क्योंकि हैवी रिंकल वाली ब्रीड है तो वो रिंकल जो है वो साफ़ करने पड़ते हैं, नोज़ का हुआ, टेल का हुआ, वो रिंकल साफ़ करने पड़ते हैं। ओके, तो एक और चीज़ सर, हमारे दर्शकों को और हमारे जो ब्रीडर भाई हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के थ्रू आप मैसेज दे सकते हैं? मैं अपने ब्रीडर भाइयों को इस ब्रीड के एवज में यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस ब्रीड को कभी भी इन ब्रीडिंग ना करवाएं और अच्छे से रखें, जितना खुला रख सकते हैं उतना रखें, ये डॉग हेल्दी रहेगा। अगर आप इसको ज़्यादा बंद करोगे या ज़्यादा इन ब्रीडिंग कराओगे तो ये ब्रीड ज़्यादा चल नहीं पाएगी। आप हमारे दर्शकों को अपना नंबर भी दे सकते हैं, एक बार नंबर शेयर करें। भैया अगर किसी ने मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9896003427। तो दोस्तों ऐसे जेन्युइन ब्रीडर बहुत कम मिलते हैं जो पहले आपको क्वालिटी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देंगे और विद रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे सारे डॉग्स के, उसके बाद आप डॉग लेंगे तो हमेशा आप सेटिस्फेक्शन में रहेंगे, नहीं तो बाद में आपको परेशानी आ सकती है। तो ऐसे जेन्युइन ब्रीडर से आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको इन फ्यूचर बेनिफिट ही होगा। तो सर का नंबर जो है मैं इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप उन्हें ईजीली कॉन्टैक्ट कर सकें। आपको कोई बहुत श्योरली होके बोलता है कि मेरे पास 100% ये डॉग इम्पोर्ट है, तो उसके पास इम्पोर्ट पेडिग्री भी होगी, जैसे कि ये मेरे पास है, ये मेरे जो भी मैंने आपको डॉग दिखाया था उस डॉग का पासपोर्ट है, ये उसकी इम्पोर्ट पेडिग्री है जो मतलब वहाँ से मेरे को आई थी सर्बिया से, और ये एक दूसरा डॉग था मेरे पास जो आपने पहले अभी आपको मैं दिखाऊँगा, वो ये थाई की पेडिग्री, ऐसी पेडिग्री होती है हमारे पास जो ओरिजिनल लोग, ये आप समझो कि ये इम्पोर्ट का एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रूफ है कि ये इम्पोर्ट डॉग मेरे पास है या नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास इम्पोर्ट है, लेकिन अगर उनके पास इम्पोर्ट है तो ये प्रूफ भी ज़रूर होंगे, अगर ये प्रूफ है तो आप उनसे इम्पोर्ट अगर बोल के दे रहे हैं तो ये प्रूफ देखो और उनसे डॉग खरीदो, अनदरवाइज उनको बोलो कि भैया जो अगर आपका डॉग इम्पोर्ट नहीं है तो उसी हिसाब से हमारे से प्राइस लो। अगर हमको कोई KCI का पेपर दिखाता है कि हमारे पास KCI इम्पोर्ट है तो उसमें भी मेंशन होता है, आप नीचे देखोगे तो ये जैसे इम्पोर्ट थाईलैंड लिखा हुआ है और ऐसे ही इस पेपर में जैसे इम्पोर्ट सर्बिया लिखा हुआ है, तो KCI भी उसी कैनल का उसी कंट्री का नाम मेंशन कर देती है अपने पेपर में जहाँ से वो डॉग परचेज किया होता है, जिस कंट्री से वो डॉग इंडिया में आया होता है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि वो डॉग 100% इम्पोर्ट ही है। ये मेरी प्रॉपर्टी है जी, जो मैंने 8 साल जो कमाया है, जो विनिंग की है, ये उन्होंने प्रूफ ने जो मैंने KCI वालों दिते गए ने सर्टिफिकेट, ये मेरे कुछ लाइनअप है ने और ये मेरी BOBCC ग्रुप वगैरह। तो लवली जी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई डॉग्स के बारे में और ब्रीड के बारे में, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद करता है फरी फार्म चैनल का जिन्होंने साड़ी इस काबिल समझा कि असी अपने डॉग के बारे उन्होंने कुछ दस सकी। दोस्तों ये था हमारा वीडियो मिस्टर लवली शर्मा जी के साथ, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नई वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे नए शख्स के साथ नई जगह पे, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। और हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको फ्रॉड लोगों से बचाया जाए और आपको एक जेन्युइन बायर से, जेन्युइन ब्रीडर से कॉन्टैक्ट करवाया जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।